Hello friends, because of some health issues वैसे मैं ठीक हूँ, लेकिन बस इसी वजह से मैं कल कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी. एनीवेज, आज जो पार्ट एडियंटम का रह गया था, आज हम वो करेंगे. रिप्रोडक्शन बेसिकली रह गया है, रिप्रोडक्शन वाला पार्ट. तो आज स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन एंड एडियंटम. ठीक है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं, जैसे हमने पिछली बार भी उसकी मॉर्फोलॉजी ऑलमोस्ट पढ़ ली थी, जिसमें मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, जिसमें बात हुई थी कि जो स्पोरिंजिया रहते हैं वो बेसिकली किसी जो लीफ होती है, एडियंटम की जो लीव्स होती हैं वही वेजिटेटिव लीफ रिप्रोडक्टिव लीफ में कन्वर्ट होती हैं, मार्जिन्स पर सोराई लगते हैं. ठीक है, तो उसी को उसकी के आगे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. जो रिप्रोडक्शन है एडियंटम में वो स्पोर्स के थ्रू होता है, और स्पोर्स कैसे होते हैं, होमोस्पोरस, दैट मींस ओनली सिंगल और सिमिलर टाइप ऑफ स्पोर्स आर जनरेटेड. और स्पोर्स लगेंगे कहाँ, या जर्मिनेट का मतलब कि कहाँ पे बनते हैं, स्पोरिंजियम में. ठीक है, और ह्यूज या लार्ज नंबर में बनते हैं. अगर बात करें कि जो जिस ये जो स्पोरिंजियम का स्ट्रक्चर होता है जिस लीफ पर लगता है, ठीक है, उस लीफ को फर्टाइल पिन्ना भी कहते हैं, क्योंकि पिन्ना कह रहे थे पहले वेजिटेटिव में पिन्ना या फ्रॉन्ट्स कहते थे. अब यही है कि जिन 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 पर जिन लीव्स पर ये स्पोरिंजियम डेवलप होता है उनको, या स्पोरिंजियम बेसिकली एडियंटम के केस में ग्रुप्स में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसको बोल रहे हैं यहाँ पर सुराई, क्लस्टर के फॉर्म में पाए जाते हैं जिसको सुराई बोलते हैं. और सुराई जिस लीफ पर लगे रहते हैं उनको स्पोरोफिल कह सकते हैं या फिर फर्टाइल पिन्ना कह सकते हैं. ठीक है, और ये जो सुराई की पोजीशन होती है वो हमेशा लीफ की मार्जिन्स पे होता है. आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो लीफ, ये एडियंटम की एक लीफ है, शेप देने की कोशिश करी है, मान लीजिए ये है, ये फर्टाइल पिन्ना को इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, इसमें यहाँ पे अगर लीव्स लगी रहे, यहाँ पर लीफ का जो मार्जिन है वहाँ पे डोर्सल साइड पर सुराई लगे होते हैं, सुराई दैट मीन्स स्पोरिंजियम ही ग्रुप में लगे हैं. दूसरी बात है कि इसमें फाल्स इंड्यूशियम पाया जाता है. फाल्स इंड्यूशियम क्या होता है कि यही जहाँ पे डोर्सल मतलब डोर्सल साइड पर मार्जिन्स पर तो फर्टाइल पिन्ना की लीफ फर्टाइल पिन्ना पर लगे हुए हैं स्पोरिंजियम, यही जो मार्जिन होता है लीफ का, जो मार्जिन है टिप है, वही रिफ्लेक्स होकर के इस सुराई को कवर कर लेती है. ठीक है, जिसकी वजह से एक इंड्यूशियम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, बट एक्चुअली ये ट्रू इंड्यूशियम नहीं होता है. इसी वजह से ये जो रिफ्लेक्स मार्जिन है इसी को फॉल्स इंड्यूशियम कह रहे हैं. यहाँ पर देख सकते हो ऐसे कवर, अगर हम इसका टी एस कट करें लाइक दैट, तो ये स्ट्रक्चर हमें मिलेगा. इसका जो स्पोरिंजियम होता है वो भी अब तक के जितने हमने जिम्नोस्पर्म में पढ़े थे उससे बहुत डिफरेंट है. अब इस पर पहले बात ये कर लेते कि स्पोरिंजियम का डेवलपमेंट कैसे होता है. स्पोरिंजियम का डेवलपमेंट लेप्टोस्पोरिंजियम टाइप है. जिम्नोस्पर्म में ज़्यादातर में मैक्सिमम, चाहे जिम्नोस्पर्म की बात करें या एंजियोस्पर्म की बात करें, उसमें एंजियोस्पर्म रहने दीजिए, जिम्नोस्पर्म की बात करें तो उसमें यूस्पोरिंजियम टाइप ऑफ डेवलपमेंट था. ठीक है, यहाँ पे जितने भी इस फिलिकेल्स के मेंबर्स हैं उनमें लेप्टोस्पोरिंजियम टाइप ऑफ डेवलपमेंट है. ठीक है, स्पोरिंजियम का डेवलप, तो उस इसका मतलब लेप्टोस्पोरिंजियम का मतलब भी हुआ कि सिंगल इनिशियल सेल से स्टार्टिंग हो रही है. स्पोरिंजियम का डेवलपमेंट एक सिंगल इनिशियल सेल से होता है. तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे बनते हैं. जो मार्जिनल सेल होती है स्पोरिंजियल इनिशियल, यानी कि लीफ की जो लीफ की मार्जिन है उसकी डोर्सल साइड पर जो मार्जिन की कोई एक सेल है वो बिहेव करती है, तो अपने पहले प्रोटोप्लाज्म को इकट्ठा करके थोड़ा सा साइज में बड़ी हो जाती है और पेपिला फॉर्म कर लेती है, यानी कि और सेल से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ग्रो अप कर लेती है. ठीक है, ये और बिहेव करती है सिंगल इनिशियल सेल की तरह या स्पोरिंजियल इनिशियल की तरह. इस स्पोरिंजियल इनिशियल सेल में फर्स्ट डिवीजन होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिसकी वजह से एक अपर सेल बनती है, आउटर सेल बनती है, एक इनर सेल बनती है. जो इनर सेल है वो फर्दर कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगी स्पोरिंजियम के डेवलपमेंट में. जो आउटर सेल है उसमें थ्री डायगोनल डिवीजन होता है. थ्री डायगोनल दैट मीन्स कुछ डायगोनली डिवाइड होगी, और जिसकी वजह से देखो पहले एक ऐसा डिवीजन हुआ, देन अगेन दूसरा डिवीजन हुआ, जिसकी वजह से
एक एपिकल सेल फॉर्म हो जाती है। ये एपिकल सेल 4 to 5 times डिवाइड होकर के लगभग एक हाइट में सेल्स बना लेती हैं, जिन्हें स्पोरेंजियल, जो कि जिन्हें आगे चल करके स्टॉक और स्पोरेंजियल जाके फॉर्म करना है। कौन? एपिकल सेल ही, ठीक है। अगेन लेकिन ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करती है और एपिकल सेल अभी भी बरकरार है। इसमें फिर फर्दर डिवीजन होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिससे दो तरह की सेल्स बनती हैं। एक जैकेट इनिशियल बनती है एंड द सेकेंड वन इज आर्ची स्पोरियल सेल। ये जो टेट्राहीड्रल शेप में दिख रही है वो आर्ची स्पोरियल सेल है। ये जैकेट इनिशियल सेल फर्दर जैकेट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। जो आर्ची स्पोरियल सेल है ये अगेन डिवाइड करके एक टैपिटल इनिशियल सेल बनाती है। इसी से आर्ची स्पोरियल सेल से एक टैपिटल इनिशियल सेल बनती है, यहाँ से देख सकते हो आप, और दूसरी स्पोरोजिनस सेल बनती है, ठीक है। ये हम और जैकेट इनिशियल सेल से तो ये फर्दर डिवाइड करके जैकेट फॉर्म ही कर रही थी, और जो पहले डिवीजन हुआ था जिससे स्टॉक फॉर्म हुई थी वो स्टॉक कई बार डिवाइड करके स्टॉक बनाती है स्पोरेंजिया का, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा चाहिए, ठीक। नाउ समझ लेते हैं कि किससे क्या क्या चीज़ें बनी। टैपिटल इनिशियल अब बन चुका है जो कि आर्ची स्पोरियल इनिशियल सेल से बनी थी। ये टैपिटल इनिशियल कई बार एंटीक्लाइनल डिवाइड करके डबल लेयर्ड टैपिटम बनाती है, ठीक है। ये ड्यूरिंग स्पोर जर्मिनेशन या जब स्पोर फॉर्मेशन हो रहा होता है उस वक्त न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है, जिसकी वजह से ये अपनी आइडेंटिटी खो देती हैं और सिंपल फ्लूड फॉर्म में आ जाती हैं, ठीक है। डीजनरेट होकर के फ्लूड फॉर्म कर लेती हैं। स्पोरोजेनस सेल की बात करें तो स्पोरोजेनस सेल जो है वो 16 वो भी डिवाइड कई बार डिवाइड करके सिंपल डिवीजन होता है, कई बार डिवाइड करके 16 स्पोर मदर सेल बनाती है। ये स्पोर मदर सेल में अभी ये डिप्लॉयड है, ठीक है। इनकी प्लॉयडी 2n है। इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोसिस होती है, जिसकी वजह से 4 हैप्लॉयड, मतलब हर सेल जितनी 16 बनी है ये हर 16 स्पोर मदर सेल मियोसिस करती है और एक से चार बनती हैं, यानी हर सेल से चार चार सेल्स बनेंगी। और रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोसिस होती है, जिसकी वजह से हैप्लॉयड स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। जैकेट इनिशियल की अगर हम बात करें तो ये भी कई बार एंटीक्लाइनली डिवाइड होकर के सिंगल लेयर जैकेट फॉर्म करती है, जिसमें जो सिंगल लेयर जैकेट फॉर्म करती है किसका? स्पोरेंजियम का, ठीक है। इसमें भी कुछ स्पेसिफिक सेल्स कुछ इस तरह से स्पेसिफाई हो जाती हैं कि कुछ सेल्स होती हैं वो थिक वॉल्ड बनती हैं, कुछ सेल्स होती हैं वो थिन वॉल्ड बनती हैं। और ये ऐसा नेचर ने उन्हें ये एनाटॉमी इसलिए दे रखी है ताकि वो स्पोर डिस्पोजल में हेल्प कर सकें। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखो, जब ये जैकेट सेल फॉर्म हुई हैं उसमें से लगभग 13 सेल या फिर इनका नंबर 10 to 20 हो सकता है, ठीक। ये 10 to 20 सेल्स बेस से स्टॉक स्ट्रक्चर के, मतलब स्टॉक जहाँ पर है वहाँ के बेस से 13 सेल काउंट कर ले या फिर 10 to 20 तक हो सकती हैं। ये थिक वॉल सेल्स होती हैं और ये फॉर्म करती हैं एनुलस। ये जो थिक वॉल सेल्स हैं उन्हें एनुलस कहते हैं। रेस्ट ऑफ द सेल्स जितनी बचती हैं उनको हम स्टोमियम कहते हैं, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर स्पोरेंजियम और ये ऐसा स्ट्रक्चर इनको किस लिए दिया है? ताकि ये डिहेसेंस में स्पोर्स के डिस्पोजल में डिहेसेंस में हेल्प कर सके, ठीक है। मैच्योर स्पोरेंजियम की अगर हम बात करें तो एक सिंपल है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजियम का वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। पहला स्टॉक कहलाता है, जो ये हेड वाला स्ट्रक्चर होता है उसे कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। इस कैप्सूल की भी अगर वॉल की बात करें तो इसमें वर्टिकल रोज ऑफ जो कैप्सूल वॉल होती है एक तो सिंगल लेयर्ड होगी, इसमें जो वर्टिकल रोज होती हैं बेस से लेकर के 10 to 20, यही जो मैंने बताई, वो एनुलस फॉर्म करती हैं, थिक वॉल्ड होती है, और जो रेस्ट ऑफ द सेल्स होती हैं वो स्टोमियम कहलाती हैं, ठीक है। और इनसाइड इसमें टेट्राड स्पोर्स होंगे क्योंकि हैप्लॉयड स्पोर्स फॉर्म हो चुके हैं, तो ये टेट्राड स्पोर्स फॉर्म करते हैं। ये पर्टिकुलर एक स्पोर का स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा हो सकता है? हैप्लॉयड हो सकता है, यूनिन्यूक्लियोइड हो सकता है, और बायलेटरल और इंटाइन और एग्जाइन उसकी पर्टिकुलर स्पोर की वॉल होगी, ठीक है। डबल लेयर्ड होगा, एग्जाइन और इंटाइन और यूनिन्यूक्लियर स्ट्रक्चर। नाउ मूव्स ऑन गैमेटोफाइट। अब ये जो स्पोर बना है, ठीक है, स्पोर मान लीजिए डिस्पर्जल होता है, जैसे ही स्पोर का लिबरेशन स्पोरेंजियम लिबरेट करता है स्पोर्स सारे बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तब स्पोर जर्मिनेट
स्पोर का जर्मिनेशन होता है। स्पोर जर्मिनेट करेगा जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगे, और वो फॉर्म क्या करता है, एक हार्ड शेप प्रोथालस फॉर्म करता है। ठीक है, एकदम हार्ड शेप नहीं होता बट ऑलमोस्ट हार्ड शेप जैसा दिखता है। आई शो यू, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यही है। ठीक है, ये प्रोथालस कुछ कुछ ये इसी तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, हार्ड शेप प्रोथालस फॉर्म करता है, जिसमें सेंटर में एक एपिकल नॉच होगा। इस एपिकल नॉच में जो ये स्ट्रिक्टली जो प्रोथालस होता है वो स्ट्रिक्टली मोनोशियस होता है। मोनोशियस दैट मीन्स एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया दोनों एक ही प्रोथालस पर पाए जाते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया होते हैं स्ट्रिक्टली ये वेंट्रल सर्फेस पर ही होंगे। कंडीशन केवल इतनी होती है कि जो आर्चिगोनिया होता है वो एपिकल नॉच के पास होता है, जैसे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं। अगर ये बात करें हार्ट शेप का है एक कंडीशन, दूसरी है कि बेसल रीजन में इसमें कुछ हेरी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे जिन्हें राइजॉइड्स कहते हैं। अगर सेंटर की बात करें तो यहाँ पर एक नॉच्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे एपिकल नॉच कहते हैं। आर्चिगोनिया हमेशा वेंट्रल साइड पर ही नॉच के पास लगेंगे, जबकि जो एंथ्रीडिया होते हैं वो जो बेसल पोर्शन है वहाँ पे प्रोथालस के बेस में जनरेट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एंथ्रीडिया की, डेवलप क्या कहाँ से हुआ। जैसे स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया है कि एंथ्रीडिया वहाँ पे होता क्या है कि प्रोथालस की ही कोई एक सिंगल वेंट्रल साइड की कोई एक सेल, कहाँ पर, बेसल रीजन में कोई एक सेल एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह बिहेव करने लगती है। और ये एंथ्रीडियल इनिशियल फर्स्टली ट्रांसवर्सली डिवाइड करके एक अपर सेल बनाती है और दूसरी फर्स्ट रिंग सेल बनाती है। ये जो अपर सेल होती है ये डोम शेप की होती है, अगेन इट डिवाइड बाय पेरिक्लाइनल वॉल एंड फॉर्म अ डोम सेल, एंड द सेकेंड वन इज एंड्रोगोनियल सेल। ये जो एंड्रोगोनियल सेल है ये कई बार डिवाइड होकर के 30-40 एंड्रोसाइट सेल्स बनाती है। ठीक है, जिसमें मेटामोर्फोसिस होती है और मल्टी फ्लाजिलेटेड एंथेरोजोइट्स बन जाते हैं। अगर डोम सेल की बात करें, डोम सेल अगेन डिवाइड करके एक कवर सेल बनाती है और दूसरी सेकेंड रिंग सेल बनाती है। ये जो फर्स्ट रिंग सेल पहले जो बन चुकी थी और जो सेकेंड रिंग सेल है, ये दोनों मिल करके जैकेट एंथ्रीडियम का जो जैकेट सेल्स होता है वो बनाती है, और जो कवर सेल है वो एंथेरोजोइट्स को कवर्ड किए रहती है, जितने भी एंथ्रीडियम डेवलप होते हैं उनको कवर किए रहती है। इसको इस फिगर से समझ लेते हैं कि यहाँ की हम बात कर रहे थे कि कवर सेल फॉर्म हो गई, सेकेंड रिंग सेल फॉर्म हुई एंड फर्स्ट एंड्रोगोनियल सेल फॉर्म हुई एंड फर्स्ट रिंग सेल एंड सेकेंड रिंग सेल, ये दोनों मिलकर के जैकेट फॉर्म करेंगी। ठीक है, कवर सेल या जैकेट फॉर्म करेंगी, और जो एंड्रोगोनियल सेल है वो एंड्रोसाइट्स बनाती है। ये एंड्रोसाइट्स में फिर से मेटामॉर्फोसिस होती है, ऑक्टेंट स्ट्रक्चर पहले बनता है, फिर ऑक्टेंट से कई सारे एंथेरोजोइट्स डेवलप होते हैं। और ये एंथेरोजोइट्स हैं कैसे, मल्टी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर हैं, और ये जो सराउंड किए हुए जो सेल्स दिख रही हैं आपको वो सारी कवर सेल्स या जैकेट सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, ये तो हो गया एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट। आर्चिगोनिया की बात करें तो आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, आर्चिगोनियल इनिशियल से। या आर्चिगोनियल इनिशियल सेल कहाँ पर है, जो प्रोथालस था उसमें एपिकल नॉच के पास में, यानी कि एपिक साइड ऑफ प्रोथालस देयर इज अ सेल विच एक्ट एज अ आर्चिगोनियल इनिशियल। इट डिवाइड ट्रांसवर्स डिविजन एंड फॉर्म्स अपर कवर सेल, प्राइमरी कवर सेल फॉर्म करती है और लोअर सेंट्रल सेल फॉर्म करती है। अगर कवर सेल की बात करें तो उसमें दो वर्टिकल डिवीजन बाय दो डिविजन्स होते हैं बाय वर्टिकल वॉल, जो कि एक दूसरे के राइट एंगल होंगे, और इस तरह से नेक इनिशियल सेल बना लेती है। ये नेक इनिशियल सेल में कई बार रिपीटेड डिविजन होता है और 5-7 सेल्स हाई नेक बना लेती हैं, नेक सेल्स बनाती हैं। जबकि जो लोअर सेंट्रल सेल है, इट डिवाइड ट्रांसवर्स डिवीजन एंड फॉर्म थ्री कैटेगरीज या थ्री ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसमें से एक नेक कैनाल सेल होती है, एक वेंट्रल कैनाल सेल होती है एंड वन एग सेल होती है। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि इसमें ये वाली तो जो कि अब कवर सेल से फॉर्म हुई थी, ये सारी अराउंड जो दिख रही हैं सेल्स, या आपको नेक सेल, ये सारी नेक सेल्स हो गई। जो सेंटर में, सेंटर रीजन में ये जो देख रहे हैं इलॉन्गेटेड सेल, ये हो गई नेक कैनाल सेल, इसका नंबर एक ही होता है, देख सकते हो एक ही सेल है। नेक्स्ट टू द नेक कैनाल सेल देयर इज अ वेंट्रल कैनाल सेल, एंड बिलो द वेंट्रल कैनाल सेल देयर इज एन एग।
अब बात आती है फर्टिलाइजेशन की। एंथ्रीडा और आर्चिगोनिया डेवलप हो चुके हैं, अब इसके बाद जो इवेंट आता है वो फर्टिलाइजेशन का है। फर्टिलाइजेशन के लिए सभी टेरिडोफाइट्स में वाटर इज़ नेसेसरी। वैसे भी ये शेडी और मॉइस्ट प्लेसेस पे तो होता ही है। यहाँ पे जो वाटर हमें मतलब कि वाटर प्रोथालस को मिल रहा है वो बेसिकली फिल्म फॉर्म में प्रोथालस के ऊपर ही होता है, ठीक है। उतना वाटर सफिशियंट है एंथीरोजोइट्स को मूव करने के लिए। होता क्या है कि एंथ्रीडियम वाटर एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से जो कवर सेल्स होती हैं, ठीक है, ये जो कवर सेल्स आपको दिख रही ना सराउंडिंग में सराउंड में, ये कवर सेल वाटर एब्जॉर्ब जैसे करता है, जिसकी वजह से ये जो कवर सेल्स होती हैं ये स्प्लिट कर जाती हैं और सारे के सारे एंथीरोजोइट्स बाहर आ जाते हैं। और एंथीरोजोइट मूव करके, चूँकि मोनोशियस है तो इसको ज़्यादा तो मूव करना नहीं है, केवल प्रोथालस की ही रेंज में करना है। तो ये जो एंथीरोजॉइट्स होते हैं ये मूव करके फ्रॉम बेसल पार्ट टू आर्चिगोनिया तक जाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ इसी समय जब एंथ्रीडिया मच्योर हो रहा है, उसी के साथ में ही आर्चिगोनिया भी मच्योर होने लगता है। होता क्या है कि जो नेक केनाल सेल और VCC है, ये जो नेक केनाल सेल और VCC है, ये डीजेनरेट होकर के एक म्यूसिलेजनस मास बना लेती है। ये म्यूसिलेजनस मास धीरे धीरे वाटर एब्जॉर्ब करता है। वाटर एब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि ये स्वेल करेगा, जिसकी वजह से जो नेक सेल्स होती हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं या ओपन हो जाती हैं, ये भी कह सकते हैं। जो नेक सेल है वो ओपन हो जाती हैं और कई सारे एंथीरोजॉइट्स एंटर कर जाते हैं। लेकिन केवल एंथीरोजॉइट्स कई सारे एंटर तो करते हैं, लेकिन फ्यूजन केवल किसी एक सिंगल एंथीरोजॉइट से ही होता है। यानी एंथीरोजॉइट का जो न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लियरी स्ट्रक्चर, वो किससे, एग सेल से फर्टिलाइज करता है और जाइगोट फॉर्म कर लेता है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन का इवेंट हो गया, देन अब एम्ब्रियोलॉजी की बात करें। ये जो जाइगोट बना है ये एक्चुअल में नेक्स्ट जनरेशन के लिए फर्स्ट सेल का काम करता है, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन के लिए जाइगोट इज़ द बिगनर और स्टार्टिंग सेल, ठीक है। अब ये जब जाइगोट फॉर्म हो गया, जैसे ही जाइगोट फॉर्म होता है तो ये जो म्यूसिलेजनस मास था, ठीक है, वो ड्राई हो जाता है। ड्राई होकर के ये पूरे स्ट्रक्चर को सील कर देता है, ठीक है। अब विद इन इनसाइड द सील्ड स्ट्रक्चर जाइगोट डेवलपमेंट स्टार्ट। जाइगोट सबसे पहले डिवाइड करके फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन करता है, जिससे कि दो सेल स्ट्रक्चर बनता है। ये अगेन डिवाइड करेगा और फोर्थ सेल स्ट्रक्चर बनाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहला वर्टिकल डिवीजन हमेशा पैरेलल टू आर्चिगोनियल एक्सेस होता है, और जो सेकेंड डिवीजन होता है वो इसके राइट एंगल होगा, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री पे। अगर पहला ऐसे हुआ है तो सेकेंड ऐसे होगा, अगर पहला ऐसे हुआ है तो सेकेंड ऐसे होगा, ठीक है। और इस तरह से फोर सेल स्ट्रक्चर बनता है। इसकी हर सेल ट्रांसवर्सली डिवाइड करके एक ऑक्टेंट बना लेती है या 8 सेल स्ट्रक्चर बनाती है। इस 8 सेल स्ट्रक्चर में ये दो टायर्स में डिवाइड हो जाती है। जो एपी मतलब कि अपर टायर होता है उसे एपी बेसल टायर कहते हैं, जिसमें 4 सेल होती हैं। ये 4 सेल अगेन डिवाइड करके शूट एपेक्स बनाती हैं, नेक्स्ट वन इज कोटिलेडन इनिशियल बनाती हैं। जो नेक्स्ट 4 हाइपोबेसल टायर हैं वो उनमें से वो बार बार डिवाइड करके लोअर जो हाइपोबेसल टायर होता है, 4 सेल का जो बचा था वो कई बार डिवाइड करके रूट बनाती है और फूड बनाती है, ठीक है। अब अगर बात करें विंटर ऑफ आर्चिगोनिया, यहाँ पे जो विंटर बचा था आर्चिगोनियम का, उसका एक और रोल है कि वो इस पूरे सेल्ड स्ट्रक्चर को भी कवर्ड कर लेता है और फॉर्म कर लेता है कैलिप्ट्रा, ठीक है। इसके जब ये शूट एपेक्स, कोटिलेडन इनिशियल और रूट और फूड बन रहा है, तो इनके जो मतलब कि इनका जो ग्रोथ है उसमें फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है कि जो शूट एपेक्स है या शूट वाला पार्ट है वो धीमे ग्रो करता है इन कंपैरिजन टू रूट और कोटिलेडन। रूट और कोटिलेडन चूँकि रैपिडली ग्रो अप करते हैं, जिसकी वजह से ये कैलिप्ट्रा को बस्ट आउट करके, कैलिप्ट्रा को तोड़ करके ये स्ट्रक्चर बाहर आ जाते हैं। और जब तक कि पूरी तरह से स्पोरोफाइट, लगभग 1 साल का समय लेता है, और 4 to 5 लीव्स स्ट्रक्चर यंग स्पोरोफाइट फॉर्म कर लेता है, ठीक है। और ये जो यंग स्पोरोफाइट बना है
तब तक ये डिपेंडेंट रहता है, फूड से नरिशमेंट लेता रहता है, प्रोथालस से नरिशमेंट लेता रहता है, जब तक कि ये खुद में इस्टाब्लिश नहीं हो जाता पूरी तरह से, ठीक है। जैसे ही ये अपना इस्टाब्लिश अपने आप को इस्टाब्लिश कर लेता है यंग स्पोरोफाइट, फूड और जो प्रोथालस होते हैं वो डीके कर जाते हैं और इस तरह से यंग स्पोरोफाइट डेवलप हो जाता है। ये दिस इज़ ऑल अबाउट एडियंटम। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन अगेन दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट लीव्स देखिए ऐसे फॉर्म हो गए, प्रोथालस जैसे ही ये डेवलप मतलब कि मच्योर हो करके इंडिपेंडेंटली इस्टेब्लिश कर लेता अपने आप को, ये धीरे धीरे ये वाले स्ट्रक्चर जो प्रोथालस है, प्रोथालस और फूड रीजन होता है, ये धीरे धीरे डिग्रेडेड हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट एडियंटम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।